तमिलनाडु में बीजेपी को लगा झटका। AIADMK और बीजेपी के रास्ते कैसे हुए अलग? अन्नामलाई के बयान से क्यों खफा हुआ AIADMK? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि बीजेपी और AIADMK के रास्ते अलग हो गए हैं। खुद इस बात का खुलासा AIADMK नेता डी जय कुमार ने किया। AIADMK नेता डी जय कुमार ने जानकारी दी कि भगवा संगठन बीजेपी के साथ फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। चुनावी समझौते पर कोई भी निर्णय केवल चुनाव तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान ही तय किया जाएगा। AIADMK के वरिष्ठ नेता डी जय कुमार ने 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गठबंधन पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि गठबंधन के बारे में हम चुनाव के दौरान ही फैसला करेंगे। ये मेरा निजी विचार नहीं है, ये हमारी पार्टी का रुख है। डी जय कुमार ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई कुप्पू स्वामी AIADMK के साथ गठबंधन की इच्छा नहीं रखते हैं, हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं। अन्नामलाई हमारे नेताओं के खिलाफ बयान देते रहे हैं, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है। क्या हमें अपने नेताओं की इतनी आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए? नहीं, हम और अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके साथ साथ डी जय कुमार ने कहा कि हम अपने नेताओं पर लगातार आलोचना स्वीकार नहीं कर सकते। अन्नामलाई पहले ही हमारी नेता जयललिता की आलोचना कर चुके हैं। उस समय हमने अन्नामलाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, उन्हें ये रोकना चाहिए था। वो अन्ना पेरियर और महासचिव की आलोचना कर रहे हैं, कोई भी कैडर इसे स्वीकार नहीं करेगा। कल हमें चुनावी मैदान में काम करना है, इसलिए बिना किसी विकल्प के हमने इसकी घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ जय कुमार ने कहा कि इस फैसले से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। बीजेपी यहाँ कदम नहीं रख सकती, बीजेपी को अपना वोट बैंक पता है, वो हमारी वजह से जाने जाते हैं। वहीं तमिलनाडु के बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने कहा, AIADMK और बीजेपी में कोई गठबंधन नहीं है और गठबंधन हमेशा दो तरफा ही होता है। Election is on the corner. Maybe in another 8-9 months there is going to be an election. So we will decide the alliance with whom and all those things in the coming elections. Now there is no alliance. Yes, V is right. See, alliance is always a two-way lane. So if somebody says I am not interested in alliance or I am not there, obviously the alliance is not there. Teach us. Who is he to teach us? Annamalai is our leader. Annamalai is our president. So it is none of his business to interfere into our activities, into our party issues. Same way we don't want to in AIADMK issues also. So that is not the thing. So what Mr. Jaykumar had said is wrong. इस गठबंधन के टूटने से कहीं ना कहीं बीजेपी को तमिलनाडु में नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उसे कोई इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।